हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचेस क्लासेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो एज यू नो वी आर इन मेंस्युरेशन लेसन ऑफ लेसन सेवेंथ लेसन ऑफ मैथ्स 2। एंड कल तक हमने प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट कर दिया है। लेट्स स्टार्ट विद सम एक्सप्लेनेशन, दैट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। नाउ व्हाट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल? एक सर्कल में अगर एक कॉर्ड होता है, कॉर्ड क्या करता है, वो सर्कल को पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो स्मॉलर पार्ट्स है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बिगर पार्ट है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट का डेफिनेशन क्या है? द एरिया एनक्लोज बाय अ कॉर्ड, एनक्लोज बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड अ माइनर सेगमेंट। इन द फिगर ए एक्स बी इज वॉट इज अ माइनर सेगमेंट। और जो एरिया एनक्लोज बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड अ मेजर सेगमेंट। इन दिस फिगर ए वाई बी इज अ मेजर सेगमेंट। इतना पार्ट क्लियर ना? आर्क ऑफ अ सेगमेंट, अगर आपको आर्क ऑफ अ सेगमेंट सॉरी एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट का फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज आर स्क्वेयर इंटू पाई इंटू टीटा अपॉन 360 माइनस साइन टीटा अपॉन 2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द आंसर। तो लेट स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नाउ। फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको दिया है, या फिगर दिया है आपको, एंगल ए ओ बी का जो मेजर है दैट इज 30 डिग्री, ओ ए दैट इज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है। यहाँ दो मेथड है, हम दोनों मेथड करेंगे। लेट स्टार्ट विद द सम्स। ओके, सो इन मेथड 1 व्हाट इज गिवन, ठीक है, हमने लिखा, अब आपको आर जो दिया है इस 12, थीटा इज 30 डिग्री एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी विद सेंटर ओ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 30 डिग्री, 30 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 12 स्क्वायर। ठीक है, 30 वन ज़ा 30 क्या आएगा बताओ? 3 वन ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 0 कट कर दो ना, 12 मिल गया। हाँ, ये एक एक 12 चला गया, हमारे पास बचा 3.14 इंटू 12। मल्टीप्लाई करिए इसको, 3.14 इंटू 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 4 ज़ा 4, पॉइंट बाद में डालिए, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 8 6 7 3, यू आर गेटिंग 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन टीटा, दैट इज हाफ इंटू 12 स्क्वेयर इंटू साइन 30। साइन 30 का वैल्यू आपको अभी 2 6 ज़ा 12, या तो आप 12 इंटू 12 लिख दो जो कि कन्फ्यूजन ना हो, 2 6 ज़ा 12 रहेगा। अब 12 6 ज़ा इज वॉट, 12 6 ज़ा इज 72 इंटू साइन टीटा की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ लिखोगे सिंस साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, ये याद रखना आपको, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आपको मिल जाए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये मेथड 1 होता है। कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें फाइंड करना है ना एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी किसको इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर क्या मिला, 37.68 माइनस 36। तो 37.68 से आप 36 माइनस करिए, 861, यू आर गेटिंग 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पार्ट क्लियर? तो इस तरीके से आपका मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 में चलते हैं। सो फॉर मेथड 2 यू हैव टू यूज़ दैट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू टीटा अपॉन 360 माइनस साइन टीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, इट्स इक्वल टू
12 square into 3.14 into 30 upon 360 minus sine 30 upon 2. फाइन, ये हो गया 12 हो जाता है, हाँ ये आपको 144 हो जाता है. 3.14 अपॉन 12 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 2 इंटू 2 हो गया. यहाँ रीज़न आप लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू 144. अब ओके, थ्री पॉइंट वन फोर अपॉन ट्वेल्व माइनस वन अपॉन फोर, हाँ ये हो जाता है. अब आप क्या करो, इनमें कॉमन क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में फोर कॉमन है, फोर वन ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व. अगर हम यहाँ ऐसा लिख दें, वेट, सो इफ़ वी टेक वन फोर आउट, इट विल बिकम 144 अपॉन फोर इंटू 3.14 अपॉन 3 माइनस 1. ठीक है, अब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप क्या पहले करोगे, डिनोमिनेटर इक्वल करोगे, यहाँ हो जाएगा 3.14 माइनस 3 अपॉन 3. हाँ, 3.14 को आप माइनस करिए 3 से, 4 1 एंड 0, यू आर गेटिंग 0.14. तो 144 अपॉन 4 इंटू 0.14 अपॉन 3 मिल जाता है. इतना पार्ट क्लियर. अब आपको इसको सॉल्व करना है, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, यू आर गेटिंग 36 इंटू 0.14 अपॉन 3. ठीक है, ये 3 को आप बाहर ले लीजिए, ऐसा लिखिए 36 इंटू 0.14 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यू आर गेटिंग 12 इंटू 0.14. अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 0.14 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 1 0 0, 8, ठीक है, 6 1, तो क्या मिलता है, 0.168 होता था, आप लिखोगे 1.68, 0 का कोई उधर वैल्यू नहीं होता है, तो इट बिकम 1.68 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से आप लोग सम करोगे. इतना पार्ट क्लियर. अब एग्जांपल 2 में चलते हैं हम लोग. क्या दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पी इज 10 सेंटीमीटर इफ कॉर्ड ए बी ऑफ द सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट पी, फाइंड एरियाज ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट. यह पाई इज इक्वल टू 3.14. ठीक है, सो आर क्या दिया है आपको, 10 सेंटीमीटर, थीटा इज 90 डिग्री एंड पाई इक्वल 3.14. योर डायग्राम इज लाइक दिस, सेंटर इज पी, ओके, ये 90 डिग्री है, ए बी, दिस इज एक्स. इतना पार्ट क्लियर. अब एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स पी विद सेंटर पी ए एक्स बी इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज 10 स्क्वायर. हाँ, 90 वन ज़ा 90 फोर ज़ा 10 से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 100. जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो बिकम 1 अपॉन 4 इंटू 3.14. अब 3.14 को आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 7 ज़ा 28, 4 आएगा 44, 4 8 ज़ा 32, 4 कट 11 34, 4 8 ज़ा 32, 2 आएगा, डॉट डालोगे 0, 4 5 ज़ा 20, तो आपको मिलता है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना पार्ट क्लियर. ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, वी आर डूइंग विथ फर्स्ट मेथड ओनली, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू टेन इंटू टेन, क्योंकि राइट एंगल है, टू फाइव ज़ा टेन, फाइव टेन ज़ा इज फिफ्टी, इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंटर ए एक्स बी सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी और ए पी बी जो भी है, इट्स इक्वल टू 78.5 माइनस 50. हाँ, 78.5 माइनस 50, पॉइंट ज़ीरो करोगे 5, 8 एंड 2. तो योर आंसर इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ढूंढना है. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इन स्टूडेंट, वीडियो स्विच ऑफ हो गया था, तो अभी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर. तो दैट इज पाई इज 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 28.5. सो 10 इंटू 10 इज 100, 3.14 इंटू 100 माइनस 28.5. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो विल गेट 314 माइनस 28.5. तो इनको माइनस किया तो हमें आंसर मिला 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड क्वेश्चन, रेगुलर हेक्सीगन इसको इंस्क्राइब किया है सर्कल में और रेडियस सर्कल का क्या है 14 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. पाई इज 22/7 एंड रूट 3 इज 1.732. ठीक है, तो रेडियस अगर 14 है तो साइड ऑफ द हेक्सीगन भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा. एरिया ऑफ हेक्सीगन इज इक्वल टू 6 इंटू रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर. हाँ, 6 इंटू 1.732 अपॉन 4 इंटू 14 इंटू 14. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14. ठीक है, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 3 5. 5.196 इंटू 7 इंटू 14. अब 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी 63, 67, 7 and 7, 7 plus 6 is 13, 3, 1 carry, 7, 5, 35, 36, 36.372 into 14 करना है हमको, 36372 into 14, 4, 2 is 8, 4, 7 is 28, 4, 3 is 12, 13, 14, 4, 6 is 24, 25, 4, 3 is 12, 13, 14. 1 2 is a 2, 1 7 is a 7, 1 3 is a 3, 1 6 is a 6, 1 3 is a 3, 8, ठीक है, 10, 12, 8, 9, 10, 5, पॉइंट यहाँ डाल दीजिए, आंसर मिलेगा 509.208 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस मच इज क्लियर. नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 टू ज़ा 14. ठीक है, सो 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई करिए, 44 इंटू 14, 4 फोर 16, 4 फोर 16 17, 1 फोर ज़ा 4, 1 फोर ज़ा 4, 6 11 6, यू आर गेटिंग 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द area of the region between the circle and the hexagon is equal area of circle minus area of hexagon. So what we have got, area of circle we got 616, you have to minus area of hexagon, that is 409.208. ऑलवेज रिमेंबर, डेसिमल पॉइंट अगर पहले वाले को नहीं है, हाँ, 0.000 माइनस 509.208. अभी आपको सब जगह से कट करना है, 6, 10, 10, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5, 10 माइनस 8 इज 2, 9, 7, हाँ, कट 15, 6, ठीक है, 0 एंड 1, यू आर गेटिंग 106.792. तो आंसर में लिखोगे, तो आंसर में लिखना है एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन सर्कल एंड हेक्सागन
is equal to 106.792 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से हमने सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है. कल हम प्रैक्टिस सेट 7.4 करेंगे. टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय हस्बैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.